बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने लगे हैं कुल्फ़ी मलाई। ठीक है, घर की ही चीज़ों से बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ये 3 अदद जो है मैंने ब्रेड ले लिए होंगे और जो इसके किनारे होते होंगे वो मैं काटने लगी होंगी कि किनारे किनारे नहीं चाहिए मुझे। ये 3 अदद जो है ब्रेड है, सही ब्रेड के पीस हैं। कुल्फ़ी मलाई बनाने लगे हैं घर की चीज़ों से, बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। ये देखें, काजू ले लिए हैं, चीनी ले लिए, बादाम ले लिए, 10-12 के करीब मैंने काजू ले लिए, 10-12 के करीब ही मैंने जो है बादाम ले लिए होंगे और चीनी भी मैंने ले लिएगी। अब चीनी, बादाम, काजू ये सब मैंने ग्लेंडर करना हैगा। ये देखें, ये 12-13 के करीब काजू थे और बादाम थे, चीनी है, अच्छा ये देखें, इनको मैंने अच्छे से पीस लिया हैगा, ब्रेड, बादाम, काजू, चीनी, सही ये अच्छे से मैंने ग्लेंडर कर लिए हैं। जैसे कि मावा बन के तैयार हो जाता है ना, खोया बन के तैयार हो जाता है, इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया हैगा। ये मेरा 1 किलो दूध है जो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखा हुआ पकने के लिए, और ये अंदर से पक पक के पागल हो रहा था। फिलहाल ये जो है काफ़ी देर से मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल पका होने के लिए रखा था। अब जो मैंने इसमें मावा बनाया है ब्रेड का वो मैं इसमें डालूंगी। देख लें, खोए की तरह ही लग रहा है ये। दाल जब इसके अंदर डालेंगे तो ऐसा लगेगा गुठली बन गई या कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप स्पून चलाएंगे, घुलता रहेगा घुलता रहेगा, आपको डरने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार ही आप स्पून चलाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जो इसके अंदर की गुठली बनी हुई है या कुछ बनी हुई है। चीनी मैंने इसके अंदर डाली हैगी, ठीक है, अभी आगे भी मैं आपको बताने लगूंगी कि इसके अंदर मैंने चीनी क्यों कम डाली है। ये देखें, अच्छा मैंने अब इसके अंदर मावा वावा जो डाला है बना के, अभी दूध और ज़्यादा हो गया है, आपको भी लग रहा होगा कि ये दूध ज़्यादा लग रहा है, पहले कम था। ठीक है, अब मैक्सिमम हमें 15 से 20 मिनट तक तो है इसको पकाना है। पंद्रह से 20 मिनट तक इसको मुस्तकिल पकाना है, दरमियानी जो है मीडियम लो आंच पे रख देना है 15 से 20 मिनट तक। ये चीनी मैंने डाली है, चीनी मैं इसमें कम ही हूँ अब डाली हूँ इसमें भी, क्योंकि मैंने आपके सामने चीनी डाली थी। ये देखें, बिल्कुल लो आंच पे मैंने इसको चीनी को रखा हुआ है, बिल्कुल लो आंच पे। अब ये कैरामेल जब चीनी हो जाएगी हमारी तो हमने वही दूध के अंदर डालना हैगा। ये देखें, हल्के हल्के इसका कलर खुद ही चेंज होता रहेगा, हमें इसमें स्पून चलाने की ज़रूरत नहीं है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हल्के हल्के खुद ही अपना कलर चेंज करेगी। चीनी ये मैंने कम यूँ रखी हैगी कि चीनी मैंने उसमें भी डाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ली हैगी, आपकी मर्ज़ी हैगी, आप अगर ज़्यादा डालें तो ज़्यादा भी डालें। मैं अपने मीठे में ज़्यादा चीनी यूज़ नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी बहुत ही कर पाती हूँगी। जैसे बहुत तेज़ से मीठा खाते हैं ना, विस किस्म का हम लोग घर में मीठा नहीं खाते हैंगे, दरमियाने किस्म का खाते हैंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर वो डाल चुकी हूँ, उसका कलर चेंज हो चुका है। कलर कलर होने के चेंज होने के बावजूद ना इसका जायका भी चेंज होगा, कैरामेल चीनी डालने से इसका जायका भी माशाल्लाह से
चेंज होता है, बहुत मज़ेदार लगती है ये। और अभी भी आप देख लें, कैरामेल करके मैंने चीनी डाली है, ये इसका कलर कितना प्यारा कुल्फी वाला कलर आ चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऐसा लग नहीं रहा है मैंने ब्रेड डाला, ऐसा लग रहा है इसके अंदर मैंने खोया डाला है, और काजू की वजह से बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। और देख लें, 1 किलो दूध में हमारी मलाई कुल्फी काफ़ी बन के तैयार हो चुकी है, सिर्फ 1 किलो दूध में। इसके अंदर मैं बादाम डाल दूंगी क्योंकि इसको पलट के हमें निकालना होता है मलाई कुल्फी को, इसलिए मैंने इसके अंदर अकलमंदी से बादाम डाल देंगे। आप भी अकलमंदी से बादाम डाल देना। ये देखें, अच्छा ये अगर आपको लग रहा है ना कि पतला है या भी गाढ़ा और करें तो आपकी मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब ये वो हो जाता है ना, ठंडा होने लग जाता है, फ्रीज़र में हम रख देते हैं। ये देखो मैंने ये रख के फ्रीज़र में रख दूंगी, ठीक है। तो अब मैंने इसको 7 से 8 घंटे बाद जो है फ्रीज़र से निकाला है, 7 से 8 घंटे बाद। और ऊपर को आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें बादाम भी डाल दिएंगे। अभी ये देखें, अब ये मैंने पलट के निकाल लिए कि यकीन माने इतनी मज़ेदार और इतने कम बजट में हमारी कुल्फी बन के तैयार हो चुकी हैगी। अब बजट भी इसका कम हैगा और इतनी ज़्यादा सी हमारी कुल्फी बन के तैयार हो चुकी हैगी। कुल्फी मलाई कुल्फी है ये, बहुत मज़ेदार होती हैगी, खोया कि जैसा टेस्ट हो रहा है इसका, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। बहुत आसान और बहुत इजी, और 1 किलो दूध में अच्छी खासी बन के तैयार हो जाती है। घर की चीज़ से बहुत बजट भी होती है और फिर सेहत भी अच्छी रहती है इन चीज़ों से। ये देखें, 1 किलो दूध में हमारी कुल्फी तैयार।